गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रॉपर्टी शोकेस करने वाला हूँ। ये बेसिकली पालम विहार में ए ब्लॉक में 66 को आया प्लॉट साइज़ है और ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। इसमें ग्राउंड फर्स्ट, इसमें आपको ये 250 बिल्डिंग बनी हुई है, ग्राउंड पे बना हुआ है, फर्स्ट बना हुआ है और आपको मतलब ग्राउंड अपर ग्राउंड एंड फर्स्ट पे बना हुआ है, 250 बिल्डिंग है। अगर बात करें इसकी लोकेशन की, फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरफ आपको 10 मीटर की रोड मिल रही है। लोकेशन काफ़ी बेहतरीन सा है। इस तरफ आप देख सकते हो सारे 66 गज के पैच सारे हैं इधर। लोकेशन काफ़ी शानदार सा है ये। और फ्रेंड्स ये वाली इन्वेंट्री हो गई, यहाँ आप देख सकते हो ये इसका मेन गेट हो गया यहाँ पे और ये बिल्डिंग है इसका ही हो गया फ्रंट एलिवेशन, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो। इसमें ग्राउंड में आपको एक लॉबी है, किचन है, बाथरूम बना हुआ है और आगे पीछे स्पेस मतलब बालकनी हो गई। और यहाँ इसमें अप्रोच बाहर से भी दिया हुआ है, अगर आपको रेंट आउट करना है ये बिल्डिंग तो आप बाहर से भी अप्रोच दिया है और अंदर से भी है। अगर इसको सेपरेट अलग करना है तो बाहर से भी कर सकते हो आप इसको, मतलब अंदर से लॉक कर दो और बाहर से एक्सेस करोगे आप। तो ये देख सकते हो यहाँ पर इस तरफ जो है फ्रेंड्स आपको मेन गेट हो गया और ये हो गया बिल्डिंग का कुछ फ्रंट एलिवेशन। और इसमें क्या है कि इसके ऊपर वाले में भी सेम आपको किचन है और रूम, एक रूम है, किचन है, लॉबी है और आपको बाथरूम बना हुआ है, सेम इसके ऊपर भी वही है। अब मैं आपको पूरा ही दिखाऊंगा फ्लोर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये हो गया इसका पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी आपको। रैंप पे आप दो गाड़ी यहाँ लगा सकते हो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ जो है फ्रेंड्स ये इसका यहाँ पे सीवर लाइन है, यहाँ पे जो यहाँ पे वाटर टैंक का दिया हुआ है दो, और ये आपका सीवर के लिए है। यहाँ आप देख सकते हो एक बड़े साइज़ की गाड़ी दो आ जाएगी यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये इसका हो गया कैंपस एरिया, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसकी बिल्डिंग की, तो आप देख सकते हो यहाँ से भी काफ़ी मेंटेन्ड है। और ये इसका हो गया लॉबी एरिया, लॉबी कम लिविंग एरिया, इसको एक रूम बना सकते हो आप ऐसे। इसमें प्रॉपर काम किया गया है फ्लोरिंग का, जो कि आप देख पा रहे होगे। वेल मेंटेन डिफरेंट से, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। अब मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ से स्टेयर केस गया हुआ है, एक अप्रोच यहाँ से भी है, एक वहाँ से भी दिया गया है। मान लो आपको रेंट आउट करना है तो ये इसको ब्लॉक कर दो, बाहर से ही जाएंगे। अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर मंदिर वंदिर भी बना सकते हो आप इधर। और ये अब मैंने बताया था ये एक रूम हो गया आपका, जो कि आप देख सकते हो यहाँ भी विंडो वंडो सब दिया गया है प्रॉपर। ये एक रूम हो गया और ये इसका हो गया ड्राइंग रूम, इसमें प्रॉपर फ्लोरिंग का काम किया गया है। और ये किचन हो गया और वो एक बाथरूम हो गया। ये किचन है, प्रॉपर मॉडल किचन बनी हुई है, जो कि आप देख सकते हो साइज़ भी काफ़ी बड़े साइज़ का है ये। ये किचन हो गया और यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है प्रॉपर। और यहाँ पे एक वॉशरूम दिया हुआ है, जो कि दिखाना चाहूँगा। बाथरूम का साइज भी काफ़ी बड़ा है ये, एक बाथरूम हो गया। मूविंग ऑन टू द अपस्टेयर्स, अब यहाँ देख सकते हो इसका सीलिंग का डिज़ाइन हो गया, जो कि देखेंगे काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है ये। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये इसका डिज़ाइन है, मैंने बताया था वो। ये वाला इसका रूम हो गया, ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया बोलो इसको आप। एक रूम भी हो गई, इसके ऊपर भी सेम वैसा ही लेआउट है। मूविंग ऑन टू द अपस्टेयर्स, और ये हो गया इसका स्टेयर केस एरिया ऊपर जाने के लिए, जो कि आप देख पा रहे होगे। अभी लाइट का प्रोविजन नहीं दिया हुआ है इसमें, इसमें प्रॉपर अगर बात करूँ स्टेयर केस की, इसमें प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का, जो कि आप देख पा रहे होगे। और इस तरफ जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे दो डोर दिया हुआ है और मैं भी खोलूंगा डोर को। और ये इसका हो गया अपर ग्राउंड का बालकनी, इसमें प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का, जो कि आप देख पा रहे होगे। और यहाँ भी सेम वैसे ही बना हुआ, बाहर से भी स्टेयरकेस दिया हुआ है इसमें, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और ये एक रूम हो गया इसमें, इसमें दो अप्रोच दिया है, दो गेट दी हुई है, ये स्लाइडर है ये। और ये इसमें भी प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का फ्लोरिंग में, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरफ भी मार्बल लगे हुए प्रॉपर फ्लोरिंग में, रोस्टिंग भी प्रॉपर आ रही है इसमें।
और एक किचन ये हो गया, किचन देख सकते हो आप, काफी बड़े साइज का किचन है। और यहाँ पे इस तरफ रेफरेंस इसका वॉशरूम एरिया हो गया। अपर ग्राउंड का और सबसे अच्छा क्या फ्रेंड, ये फेसिंग भी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। और यहाँ से हम लोग नीचे अभी आए थे और हम लोग ऊपर जाएंगे सामने वाले स्टेयर केस से, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ से खोल के ऊपर जाएंगे। यहाँ यहाँ भी सेम वैसा ही दिया है अप्रोच, मार्बल लगी भी प्रॉपर। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि प्रॉपर काम किया गया है इसमें मार्बल का फ्लोरिंग में। और यहाँ पे जैसे यहाँ से आपने स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर से आप एंटर करा, फिर यहाँ पे आप एक बाथरूम है जो कि आप देख पा रहे हो ये, उसके बाद एक रूम है यहाँ पे प्रॉपर काम किया हुआ है मार्बल का जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे किचन है, इसमें भी सेम काम किया गया फ्लोरिंग में, मार्बल लगी हुई है, सॉरी इसमें टाइल्स लगी हुई है, प्लेटफॉर्म पे मार्बल लगी हुई है। अभी किचन हो गया, यहाँ पे आपकी फ्रिज आ जाएगी इस तरफ। स्पेस काफी ह्यूज स्पेस है, बड़ा स्पेस है। यहाँ पे सिंक दिया हुआ है, इवेंट एरिया है। और यहाँ जो ये लॉफ्ट है, और ये छोटा सा बैल्कनी जो कि आप देख पा रहे हो, ये इसमें भी प्रॉपर ग्रिल का काम किया गया है। और अभी हम लोग बाहर चलेंगे, इसके आगे जो है छत है वो यहाँ से देख सकते हो। अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट फ्लोर में अभी खड़ा हूँ, जैसे घुसे थे आप, तो ये इसका बाथरूम हो गया, दिखाया था अभी आपको, ये फर्स्ट बेडरूम हो गया। और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ काफी बड़े साइज, यहाँ पे एक रूम बना सकते हो आप जो कि आप देख पा रहे होगे। और यहाँ से सेकेंड फ्लोर के लिए, मान लो कि छत पे जाने के लिए, यहाँ पे स्टेयर केस दिया हुआ है, मार्बल प्रॉपर लगी हुई है। इसमें भी एक बड़ी छत भी दिखा देता हूँ आपको मैं। और ये इसका छत हो गया। और ये स्टेयर केस है। और ये आपका बालकनी, ये आपका रेलिंग हो गया, यहाँ भी प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का। 9 मीटर की रोड मिल रही है, लोकेशन देख सकते हो, जेंट्री भी अच्छी है काफ़ी। तो यहाँ भी इसको रूम बना सकते हो एक, तो दो आपका, दो दो रूम मतलब हर एक फ्लोर पे हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। ऐसा वीडियो लाता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। प्लीज़ चेकआउट दी डिस्क्रिप्शन फॉर प्राइज एंड ऑल, प्राइज़ में डाल दूँगा क्या नहीं अपने चैनल पे, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो फिर बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।